ट्रेंड्स आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पहले फेज का पोलिंग था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के 6 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में से 2 के लिए पोलिंग हुई। जम्मू डिवीजन में जम्मू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी और कश्मीर डिवीजन में बारामूला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, लद्दाख डिवीजन की इलेक्शन बाद में है। इन 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ये दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जनरल कैटेगरी के थे और ये रिजर्व नहीं थे। टोटल मेल वोटर्स थे 17,16,985, फीमेल वोटर्स 16,897, टोटल 33,17,882। टोटल सर्विस वोटर्स वर 47,155, एएसडी 18,691, पोस्टल बैलेट 3,031, ईडीसी 2,854, मेल कैंडिडेट्स 33, बारामूला 9 एंड जम्मू 24, देर वर नो फीमेल कैंडिडेट्स, नो एससी कैंडिडेट, नो एसटी कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस वर 4,489 प्लस 21 माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस। जनरल ऑब्जर्वर्स 12, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 8, माइक्रो ऑब्जर्वर्स 462, पुलिस ऑब्जर्वर्स 7, पोलिंग पर्सनल्स 7,692, रिजर्व 17,956, वेब कास्टिंग डन एट 484 पोलिंग स्टेशंस। एज पर द लास्ट रिपोर्ट केम इन, as we have not seen the 17C form. Total voting percent in Jammu was 72.19%, and Baramula 35.01%. So after examining 17C form, we would be able to give you exact figures. But this figure should be very close to the real one. Thank you. And one more thing, the polling has been very peaceful in Jammu division as well as in Kashmir division. It was incident-free polling today. And we congratulate all candidates, all political parties, all voters, all participants, officials, police, paramilitary forces who are deployed for duty for conduct of very successful and peaceful election today. जब ये कंप्लेंट मिली तो हम लोगों ने इसको तुरंत से उसके सारे ईवीएम, बीयू, सीयू और वीवीपैट चेंज कर दिए। And 74.50% जम्मू डिस्ट्रिक्ट रजौरी, जम्मू 6 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैविंग 4 डिस्ट्रिक्ट, वन इज सांबा डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग टर्नआउट इज 75.14%, जम्मू डिस्ट्रिक्ट टर्नआउट इज 74.50%, रजौरी डिस्ट्रिक्ट इज 65.73% एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट इज 70.42%। ओवरऑल जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी turnout is 72.16%. Is it more than the previous time? Is it more than the previous, or hopefully it will increase after the receiving of 17A and 17C. Exact figure will become after scrutinize of the oval 17A, 17C. Some polling station are in shadow area. We could not connect with them in communication. That will come political party. We will reconcile and share with you. Voter list mein naam kaise nikal jata hai, uske do tarike. Ek, किसी ने डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, और दूसरी
अगर उसी नाम फोटोग्राफ के साथ सिमिलर एंट्रीज कहीं पर होती है तो फिर वो डिलीट हो जाती है। सो वो जैसे लोगों ने आपको बताया उनसे चेक करिए कि क्या उनका नाम किसी और पोलिंग स्टेशन पर या किसी और कंस्टिट्यूएंसी में है क्या। ईरोनेट जिस पर कि इस बार सारे इलेक्टोरल रोल रखे गए थे उसमें जो सिमिलर एंट्रीज थी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज वो उसको निकाल देता है एक जगह से। आई वुड लाइक टू सी दोज डिटेल्स किसने क्या कहा उसके बिना पर आई कांट आंसर। सो अगर ऐसा कोई कहीं पर आता है अगेन डेड वोटर्स डिलीट करने का तरीका यही है कि या तो ईआरओ को या डीईओ को कहीं से पता चलता है कि वो फलाने आदमी का ही इज़ डेड ही इज़ नो मोर तो फिर उसको हटाया जाता है या जो उसके फैमिली मेम्बर फिर फॉर्म 8 डाल के और फिर उसका नाम डिलीट कराते हैं। Are you happy that despite intimidation, terror threat, boycott lobby asking people not to come and vote, large number of people came out and they once again showed trust with democracy in Kashmir Valley especially? All of us are very happy and it's the matter of great pride for everyone who participated in election. The management, all of us who created polling station, then had the ecosystem for voting for the voters, the political parties, the candidates, the campaigners, everyone. Total M voter M forms were issued 4,908, out of which migrants have polled 54%.